हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन ओवर हियर सेज, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑप्शन ए रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल, ऑप्शन बी स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, ऑप्शन सी एग हैज अ फिलीफॉर्म अपैरेटस, ऑप्शन डी देर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट. सो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें से ये कौन सी होती है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज एंजियोस्पर्म्स. सो एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म्स आते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स. सो इनके पास क्या होता है? रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, एक प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है. एंड इनके जो सीड्स होते हैं दे आर फाउंड इन अ फ्लावर. सो जो ये सीड्स होते हैं ये क्या करते हैं? दे डेवलप इनसाइड अ ऑर्गन एंड देन लेटर जो इसकी ओवरी है वो फ्रूट बना लेती है राइपेंड होने के बाद. एंड जो इसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो फर्दर सीड्स बना लेते हैं. एंड इनको बेसिकली इन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज करा जाता है. सो डिफरेंट ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए जो हमें गिवन है विच इज रिडक्शन ऑफ, सो रिडक्शन डिविजन अकर्स इन MMC. सो अब MMC क्या होते हैं हमारी? MMC होती है हमारी मेगास्पोर मदर सेल. सो ये मेगास्पोर मदर सेल जो होती है ये एक डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट होती है. सो दिस इज अ डिप्लॉइड सेल एंड ये क्या करती है? इट अंडरगोज मियोसिस. सो ये मियोसिस के थ्रू जो हमारे चार मेगास्पोर्स प्रेजेंट होते हैं ये उसका प्रोडक्शन करती है. एंड इन चार में से हमारे एक ही जो मेगास्पोर होता है वो सर्वाइव कर पाता है जो कि आगे जाके हमारा एम्ब्रियो सैक बनाता है या फिर फीमेल गेमेटोफाइट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे जो होता है हमारा रिडक्शनल डिविजन होता है. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज स्मॉल सेंट्रल सेल. अ स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक. सो इसमें बोल रहे हैं कि जो हमारी एक स्मॉल सेंट्रल सेल होती है वो प्रेजेंट होती है इन एम्ब्रियो सैक. सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स बिकॉज जो हमारी सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है इन एम्ब्रियो सैक वो स्मॉल नहीं होती है, वो काफ़ी लार्ज होती है. एंड इसमें होते हैं हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट. सो इट इज क्वाइट लार्ज. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं विच इज एग हैज अ फिलीफॉर्म अपैरेटस. सो एग इसमें बोला गया है कि जो एग है हमारा इसके पास एक फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट होता है. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज जो हमारा फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है विच इज इट इज नॉट प्रेजेंट इन एग, इट इज प्रेजेंट इन साइनर्जिड सेल्स. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं हमारा. ऑप्शन नंबर डी है न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स. सो इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो होते हैं वो न्यूमरस अमाउंट में एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज हमारे पास सिर्फ 3 एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ना कि न्यूमरस अमाउंट में. सो देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच इज रिडक्शन डिविजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.